नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत सारे रास्ते दिखाए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, हीलिंग के और साथ में स्पिरिचुअलिटी के भी, जिसमें मंत्र जाप, पूजा पाठ और कुछ उपाय। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कुछ चीजें भी डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, किस तरीके से आप अनुभूति को अपने अंदर आप वो एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आपको वो अनुभव होता है, यानी आप जब ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो आपको वो अनुभूति कैसी होती है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम अक्सर कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ घड़ी की तरह से करते हैं, यानी वो बस हमारी ड्यूटी है, हमें कर लेनी है। लेकिन आज एक छोटी सी टेक्निक और सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं जो भी अपने लाइफ में करूंगी, अच्छी करूंगी, जिससे मुझे फायदा होता है, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मंत्र चैंटिंग कीजिए या फिर ध्यान कीजिए, लेकिन आपको एक अंदर में वो एक शब्द या फिर वो एक फीलिंग्स का एहसास आपको करना है, वो कैसे करना है वो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे जीवन में हम एक जीवन यापन करते हैं जिसमें कुछ हद तक हमारा काम, कुछ हद तक हमारा स्पिरिचुअल जर्नी रहता है। लेकिन अक्सर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई करने के लिए जल्दी जल्दी मंत्रों की चैंटिंग करते हैं या फिर ईश्वर से बहुत जल्दी हाथ वाथ जोड़कर हम लोग मांग लेते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। चलो, इसमें भी खराब नहीं है क्योंकि हम अपने माता पिता से ही मांग करते हैं, है ना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज का मांग करते हैं या फिर भगवान को याद करते हैं, तो क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपको एक संतुष्टि होना चाहिए जब भी आप भगवान की मंत्रों की जाप कर रहे हैं। तो जब आप नमः बोलते हैं, यानी एंड पर होते हैं, जब आप ओम बोलते हैं, बीच का कोई भी मंत्र आपके इष्ट गुरु का होगा या फिर आपके इष्ट देव का होगा या फिर आपके गुरु का होगा, ठीक है, तो आप जब ओम से शुरुआत करते हैं तो वो होती है एक ऊर्जा। लेकिन जब आप नमः से एंड करते हैं तो वो भी होती है एक ऊर्जा। लेकिन वो ऊर्जा कैसी होगी? वो ऊर्जा होनी चाहिए संतुष्टि की, ठीक है। नमः यानी आपने वो संतुष्टि प्राप्त की है, आपने ईश्वर से जुड़कर वो संतुष्टि को अनुभव किया है। हर बार जब भी आप मेडिटेशन करें तो मंत्रों के चांटिंग या फिर भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो वो करने से आपकी ऊर्जा और ज्यादा विकसित होती है। लेकिन जब आप नाम की ऊर्जा जो प्राप्त कर रहे होते हैं, जब आप नाम जाप करते हैं, तो जो ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं वो ऊर्जा आप किस तरह से प्राप्त करते हैं? एक तो होती है शांति, ठीक है, एक होती है संतुष्टि। तो आज जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूं कि मंत्र की चांटिंग हो या फिर मेडिटेशन हो या फिर आप भगवान के पास कुछ भी ना करके सिर्फ शांत होकर बैठिए, लेकिन जिस ऊर्जा को आप अनुभव करते हैं उस ऊर्जा को आपको संतुष्टि से अनुभव करना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? क्योंकि आप जब ओम की शुरुआत अंत होती है नमः से, तो यानी एक ऊर्जा आपको मिली, जो जर्नी एंड हो रही है उस समय आपको क्या मिली? संतुष्टि। यानी ऊर्जा का विकास हुआ, जब ऊर्जा का विकास होता है तब आपको क्या मिलती है? संतुष्टि। तो यही होता है कि मंत्र चांटिंग, मेडिटेशन या फिर शांत होकर आप जब ईश्वर के पास बैठते हैं तो आपको संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। इससे बहुत जल्दी क्या होता है कि जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आप अपने दुखों पर काबू पाना शुरू करते हैं। क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख जरूर होता है तो सुख भी होता है, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हम आज भी जो बातें कर रहे हैं ये नष्ट हो रहा है, और ये बात मुझे ब्रह्म विद्यानंद जी ने बताया था, जो बहुत अच्छे तरीके से मुझे इसको एक्सप्लेन किया था उन्होंने। तो तब से मुझे इस बात का ज्ञात हो चुका है कि जब भी हम कोई चीज करते हैं या फिर किसी चीज की कोई कार्य करने के लिए अपनी ऊर्जा को विकसित करते हैं, तो वो ऊर्जा या फिर वो वाणी या फिर जो बात जो हम कहते हैं वो हर क्षण नष्ट ही हो रहा है। जो निकल जा रहा है वो वापस नहीं आता है, तो वो नष्ट हो रहा है। लेकिन जब आप मंत्रों की चांटिंग, जब आप जाप और ताप और जब आप ध्यान करते हैं, तो आप उस ऊर्जा को जो विकसित होती है
उसे पाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने के बाद आपको उसकी संतुष्टि मिलती है, ठीक है। तो जब आप संतुष्टि से किसी भी मंत्र का चांट करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो एक ईश्वरीय दैवीय शक्ति को और ज्यादा आपके ऊपर ये प्रभावित कर देती है कि आप उस शक्ति को जब ग्रहण कर रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जाओं को और ज्यादा विकसित कर लेते हैं, अपने सेवन चक्र को और ज्यादा पॉलिश करते हैं और आपकी ऊर्जा, आपके सेल्स जो है वो और ज्यादा पॉजिटिव होते हुए चले जाते हैं। आप देखिएगा कि हमें मंदिर में जाने के बाद शांति मिलती है, क्यों, हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वहां एक तरंग काम करती है, वहां पर जो एनर्जी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। वहां पर हम जाते तो अपने दुख को लेकर जरूर है, लेकिन हम जब वापस आते हैं तो हम सुख को लेकर आते हैं, क्योंकि वो अंदरूनी सुकून हमें मंदिर में मिल जाती है ना। क्योंकि वहां पर बहुत मंत्रों की चांटिंग होती है, पूजा पाठ होते हैं और जो तरंगे उत्पन्न होती है वही हमारे जो भी मन में कष्ट है सबसे पहले उसको हर देती है। जैसे आप मंदिर में जाते हो, है ना, एक ठंडा एहसास, एक शांति का एहसास, एक ऊर्जा जो आप प्राप्त करते हो, तो वो होती है संतुष्टि। तो इसीलिए आप अपने अंदर एक संतुष्टि को अनुभव कीजिए जब भी आप किसी भी ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, यूनिवर्स के शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप उस संतुष्टि को अनुभव कीजिए, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है। आगे मैं जो ऑनलाइन क्लासेस लूंगी वो बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी, तो मैं आप लोगों को इस बारे में और ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।